बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट का लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक सेकंड डिग्री कर्व फिटिंग। ठीक है जी, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 12, उसकी हमने फर्स्ट लाइन फिट स्ट्रेट लाइन कर्व जो है उसको डिस्कस किया था, और उसके साथ जो है वो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी जो है वो डिस्कस की थी। आज दूसरा आर्टिकल जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है, सेकंड डिग्री कर्व फिटिंग। इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है हम लोग स्टडी कर लेते हैं। दिस कर्व इज यूजफुल टू डिस्क्राइब द ट्रेंड इन अ टाइम सीरीज वेयर चेंज इन द अमाउंट ऑफ चेंज इज कॉन्स्टेंट पर यूनिट। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नॉन लीनियर अप्रॉक्सीमेटिंग कर्व इज द सेकेंड डिग्री पैराबोला। अच्छा जी, ये जो सेकेंड डिग्री कर्व है ये बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन की ही टाइप है। इसमें हम लोग जो है वो टाइम सीरीज के डाटा को जो है वो डिस्कस करते हैं, और दूसरा इसको यूज़ करने का एक रीज़न ये भी है कि पहले हम जो है वो दो वेरिएबल डिस्कस करते थे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, वाई एंड एक्स। एक्स जो है वो सिर्फ हम जस्ट वन डिग्री तक यूज़ करते थे। अब सेकंड डिग्री में हम जो है वो वेरिएबल, अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको सेकंड डिग्री तक जो है वो यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, ये नॉन लीनियर अप्रोक्सीमेटिंग की जो नॉन लीनियर रिग्रेशन लाइन की टाइप है, और बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट ये कर्व है। इसको हम बहुत आसानी के साथ जो है वो फिट कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल इक्वेशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को बोथ साइड्स पर समीशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x प्लस सी समीशन एक्स स्क्वेयर। ये इसकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन x प्लस बी समीशन एक्स स्क्वेयर प्लस सी समीशन एक्स क्यूब। उसके बाद थर्ड जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो है समीशन एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स स्क्वेयर प्लस बी समीशन एक्स स्क्वेयर प्लस सी समीशन एक्स फोर। ये तीन नॉर्मल इक्वेशंस हैं। इन तीनों को आप जो है वो सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशंस को, तो आप जो है वो सेकंड डिग्री कर्व जो है वो फिट कर सकते हैं। और इस सूरत में आपको पता है कि एक और सिचुएशन भी यहाँ पर बनती है कि जब आपके पास ऑड ऑर्डर वेरिएबल्स हैं वो जीरो के इक्वल आ जाएं, तो देन यानी कि इफ समीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू समीशन एक्स क्यूब समीशन एक्स फाइव एक्स सेवन, ये ऑड ऑर्डर जो हैं वेरिएबल्स ये सारे के सारे जब जीरो आ जाएंगे तो देन आपकी जो कर्व है, सॉरी नॉर्मल इक्वेशंस हैं, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस सी समीशन एक्स स्क्वेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो है समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समीशन एक्स स्क्वेयर। उसके बाद समीशन एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स स्क्वेयर प्लस सी समीशन एक्स फोर। ये भी नॉर्मल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। डिफरेंट सिचुएशन में जब आपके पास ऑड पावर वाले वेरिएबल ज़ीरो हो जाएंगे तो देन आप लोगों ने ये नीचे वाली तीन नॉर्मल इक्वेशंस यूज़ करनी है, और जब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे तो ये ऊपर वाली तीन जो है नॉर्मल इक्वेशंस यूज़ करके आप जो है वो अपनी सेकंड डिग्री पैराबोला को सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो है वो हम फार्मूले के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास ऑड ऑर्डर ज़ीरो के इक्वल आएंगे। जब ज़ीरो के इक्वल नहीं आएंगे ऑड ऑर्डर वेरिएबल्स
तो उस सूरत में फिर आपको नॉर्मल इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ेंगी, उसके लिए जो फार्मूले हैं वो बिल्डअप नहीं है। ठीक है जी, फार्मूले कब आप यूज़ करेंगे, जब आपके पास ऑड ऑर्डर वाली मूवमेंट्स जो हैं, ऑड ऑर्डर वाले वेरिएबल्स जो हैं वो सारे के सारे उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, उस सूरत में आप फिर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सी इज इक्वल टू एन समीशन एक्स स्क्वेयर वाई माइनस समीशन एक्स स्क्वेयर इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स फोर प्लस समीशन एक्स स्क्वेयर होल का स्क्वेयर। ए के लिए आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस सी समीशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, बी इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वेयर। ये तीन फार्मूले यूज़ करेंगे आप सेकेंड डिग्री को फिट करने के लिए। ठीक है जी, तो ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसानी के साथ आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले कब आप यूज़ करेंगे और इक्वेशंस कब यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा जो है इन दोनों में डिफरेंस देख लें। जब आप लोगों को, आप लोगों के वेरिएबल्स का सम जो है, ऑड ऑर्डर वेरिएबल्स जो हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, उस सूरत में आप फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस भी यूज़ करके अपनी जो है वो इक्वेशन फिट कर सकते हैं, सेकंड डिग्री को फिट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑड ऑर्डर वेरिएबल्स का सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, नहीं आएगा जब, उस सूरत में आप सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस को ही यूज़ करेंगे और नॉर्मल इक्वेशंस को ही यूज़ करके हम जो है वो सेकंड डिग्री कर्व जो है उसको फिट करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। चैप्टर नंबर 12 में इसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप जो इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।